हिमाचल प्रदेश में बादल फटा है, इससे मंडी जिला में मंडी कटौला पराशर मार्ग पर बागी नाला में बाढ़ आ गई। एक पूरा परिवार बह गया। प्रशासन के रेस्क्यू ऑपरेशंस में दो बच्चों के शव बरामद हो चुके हैं। प्रदेश में पिछले 5 दिनों से बारिश, बादल फटने के बाद उफन रहे नदी नाले की वजह से कहर जारी है। शनिवार को पूरे प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं के कारण 13 लोगों की मौत हो गई। कई लोग लापता हैं। हालात को देखते हुए चंबा और मंडी जिला में स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। प्रदेश के कई हिस्सों में अभी भी बारिश जारी है, ऐसे में प्रशासन ने राहत टीमों को अलर्ट पर रखा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर बादल फटते क्यों और बादल फटने का मतलब क्या होता है। मौसम विभाग दावा करता है कि अगर किसी एक स्थान पर 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है तो इसे बादल फटना या क्लाउड ब्रस्ट कहा जाता है। इतनी बारिश में पानी तेजी से जमीन पर गिरता है, तेज फ्लो के साथ ये ढलान की ओर बहता है। इससे आसपास के नदी नालों में जलस्तर बढ़ता है और बाढ़ के हालात बनते हैं। अब समझिए कि बादल फटने की स्थिति कब बनती है। दरअसल जब अधिक नमी वाले बादलों को पहाड़ों के कारण आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिलता, ऐसे में वो एक जगह एकत्रित हो जाते हैं। नमी की मात्रा अधिक होने के कारण बादल ऊपर नहीं उठ पाते। इस दौरान बादलों में मौजूद नमी आपस में मिलने लगती है। इसे कंडेंसेशन प्रोसेस कहा जाता है। कंडेंसेशन से बूंदे बनती है और भारी होकर तेजी से नीचे गिरने लगती है, जो कि मूसलाधार बारिश में बदल जाती है। अब अगर ये बारिश 10 सेंटीमीटर से अधिक हो जाती है तो बादल फटने का कारण बनती है।